हेलो एवरीवन, आज मैं आपको आलिया कट कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। क्योंकि ये कपड़ा बहुत कम है, जो सूट पीस होता है उसका कपड़ा है 2.5 मीटर, इसलिए मुझे इसकी बॉडी पार्ट को पेपर पे काटना पड़ रहा है और मैं इसे पेपर पे काट कर उसके बाद कपड़े पे काटूंगी। शोल्डर के 7 इंचेस, क्योंकि 14 इंचेस का शोल्डर है और बैक नेक बहुत छोटा बन रहा है, इसलिए हम पूरा शोल्डर लेंगे। और ये 7 इंचेस आर्म होल और बस साइज है 35-35 में 2+ करके 36-37 और 37 का 1/4 9.25 यहाँ आएगा। और ये बॉडी लेंथ वैसे 14 ली है, लेकिन जब हम ये शेप काट देंगे यहाँ पर तब यहाँ से 14 रहनी चाहिए। और नेक विड्थ लिए 3.5 नेक विड्थ लिए। अब इसे पेपर कपड़े पे ऐसे प्लेस करके पूरे मार्क लगा के इसे कट कर लिया है। इसी तरीके से पेपर पे रख के इसका बैक पार्ट भी कट कर लिया है। अब हम इसके नीचे का घेरा काटेंगे। ये पूरा इसका नीचे का बचा हुआ पोर्शन रख लिया है जहाँ से मैंने फ्रंट पार्ट काटा है। ये आप शेप देख रहे होंगे, क्योंकि हमने ये बॉडी में अपर बॉडी में ऐसा शेप काटा है। क्योंकि कपड़ा कम है इसलिए अलग अलग तो काट नहीं सकते। अब इसको यहाँ पर रख कर ये स्टिचिंग मार्जिन लिया है, इसलिए ओवरलैप करके रखा है। और हम इसको यहाँ मार्क कर लेंगे और इसको मार्क करने के बाद यहाँ से कट कर दिया जाएगा। तो ये मैं कट कर चुकी हूँ, ये देखिए इसका स्टिचिंग मार्जिन लेके। अब हम इसके अंदर स्टिचिंग करते समय ऐसे ऐसे करके गैदर्स डाल देंगे छोटे छोटे, क्योंकि कपड़ा कम है, जितना हमारा कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग हम गैदर्स डालेंगे इसके अंदर। ये मैंने फ्रंट नेक इसका कंप्लीट कर लिया और ये बैक नेक भी बना लिया। अब हम लोग गैदर्स डालेंगे इसके अंदर। ये इस तरह से इसमें चुन्नटें बना लिए हैं, बड़े टाँके की सिलाई बना के, और फिर इसको और इसको हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ऐसे ही बैक पार्ट में भी किया है, बैक पार्ट में डार्ट डाले हैं 2 और इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। नेक में लेस लगा दी है, और जैसे ये आलिया कट में जिस तरीके से होता है उस तरीके से लेस लगा के ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये स्लिप में भी यहाँ पूरे में लेस लगा दी है, इसकी स्लीव्स भी बनकर तैयार हो गई है। अब इसके अंदर अटैच करेंगे।